हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमिक क्लासेस। मैं आज क्लास 12th का डिटरमिनेंट चैप्टर जो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पे हम आज प्रॉपर्टीज क्लियर कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर डिटरमिनेंट की फर्स्ट क्लास को आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट पे जाके सी आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। If every element of a row or columns of a determinant is zero, then the value of the determinant is zero. Means हिंदी वाले स्टूडेंट सुने कि यदि किसी भी determinant या निशानी का एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो उस वेरिटीज का determinant का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। यानी कोई हमने determinant लेट किया A1, B, A2, A3 एंड इसी तरह यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेकंड रो को हम क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, एंड C1, C2 एंड C3। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई डिटरमिनेंट लेट किया A1, A2, A3 0, 0, 0 एंड C1, C2, C3। इतनी चीज क्लियर। इसमें आपको ये पता होगा कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि इसमें रो कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं। ठीक है, तो अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मली लास्ट वीडियो में बताया था कि डिटरमिनेंट को कैसे हम नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको हम करते हैं। तो यानी क्या होगा, A1 लेके ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ड्रॉप होगा, मीन्स 0, 0 C2 एंड C3 आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट साइन चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे आएगा मेरा, अगर हम क्या लेते हैं, A2 लेते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी क्या आएगा, यहाँ पे 0, 0 C1, C3 प्लस A3 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी क्या आएगा, 0, 0 C1, C2। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम जैसे इसको सॉल्व करते थे वैसे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या होगा, A1 एंड इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 0 का मल्टीप्लाई किसी वैल्यू पे होगा तो क्या आता है, 0 आता है। तो A2 में मल्टीप्लाई होगा, A2 में भी वैसी कंडीशन बन जाएगी, 0 माइनस नहीं सॉरी यहाँ प्लस होगा, A3 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, A3 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये मेरा लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि A1 का मल्टीप्लाई 0 पे होगा, 0 आएगा, A2 का मल्टीप्लाई 0 पे होगा, 0 आएगा, A3 का मल्टीप्लाई 0 पे होगा, 0 आएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी ये कैसे आया हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हमने भाई इजी मेथड से क्या किया है, कंप्लीट किया है। अगर इसमें क्या होता है, NDA या किसी कॉम्पिटिशन, एयरफोर्स के कॉम्पिटिशन में ये सब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसमें क्या होगा, कोई भी रो 0, 0 होगी, कोई कॉलम 0, 0 होगा, तो उसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट आप लगा सकेंगे क्या, 0। ठीक है, इसी टाइप की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं क्लियर कराता हूँ। डियर स्टूडेंट, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि इफ यदि किसी सारणिक या डिटरमिनेंट्स का रो को चेंज कर दिया कॉलम में एंड कॉलम को चेंज कर दिया जाए रो में, तो उसके जो वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं होता है, ये आपको इस प्रॉपर्टीज में प्रूफ करना है। सपोज अगर हमने कोई डिटरमिनेंट लेट कर लिया ए, इस पे हमने एलिमेंट्स कोई लेट कर लिया, एलिमेंट्स ABC, कोई एनी वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि मैं ABC ले रहा हूं, मैं प्रूविंग के लिए इसलिए ABC ले रहा हूं कि जिससे कि आपको सारे उस पे आपको बेहतर समझ में आए, इजली समझ में आए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नंबर लेता हूं A1, B1 एंड C1। ठीक है, A2, B2 एंड C2,
ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री, ये कोई एलिमेंट्स हमने कोई डिटरमिनेंट्स में लिख कर लिए हुए हैं, ए वन बी वन सी वन सी टू ए टू ए टू सी टू एंड बी टू, ठीक है। एनी वे इसमें हमने क्या किया, कोई एलिमेंट्स को लिख कर लिया हुआ डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग। अब इसको हम जैसे नॉर्मली हम इसका एक्सप्लेन करते थे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वैसे इसको हम पहले करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, अगर हम रो वन के रिस्पेक्ट में करें, मैंने क्या बोला रो वन के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, ए वन एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ड्रॉप होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, मैं डायरेक्ट इसी स्टेप पे कर देता हूँ क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था, तो इसी में कर देता हूँ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, बी वन होगा क्योंकि हम रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस का बी वन, तो बी वन आया, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम क्या होगा ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पे ए टू का मल्टीप्लाई किससे होगा सी थ्री से, माइनस लगाया एंड यहाँ पे क्या होगा ए थ्री का मल्टीप्लाई सी टू पे होगा, ए थ्री मल्टीप्लाई सी थ्री सी टू सॉरी, एंड इसी तरह यहाँ पे आएगा सी वन, तो सी वन यहाँ पे किसका आएगा प्लस का आएगा क्योंकि अल्टरनेट साइन चलता है, तो सी वन ये सी वन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होंगे ड्रॉप होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ये हमने आर वन के रिस्पेक्ट में किया, ये हमने रो के रिस्पेक्ट में भी किया। अब हम क्या करेंगे, इसको रो एंड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। मैं उसी तरह क्या करूंगा, इस पे हम क्या करेंगे कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सी वन कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब हम कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉलम मेरा क्या है, ये है ए वन बी वन एंड सी वन, तो ए वन हम लेंगे तो क्या होगा, ए वन लिया तो ये मेरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा ड्रॉप होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री एंड सी टू, इतनी चीज क्लियर हो गई। मैंने क्या किया, अब मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा माइनस अब आएगा क्योंकि अल्टरनेट साइन चलेगा एंड सेकेंड मेरा एलिमेंट क्या होगा बी वन होगा, तो बी वन अब ये मेरा ड्रॉप होगा, यानी ये दो ड्रॉप होगी एंड ये कॉलम ड्रॉप होगा, तो यानी ए टू का मल्टीप्लाई किस पे होगा ए सी थ्री पे, ए टू मल्टीप्लाई सी थ्री एंड ए थ्री मल्टीप्लाई सी टू, ए थ्री मल्टीप्लाई सी थ्री ए टू सॉरी रुकिए एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई हुआ ए थ्री मल्टीप्लाई सी टू सॉरी सही लिखा। अब मेरा क्या होगा सी वन, यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ सी वन एंड क्या ड्रॉप होगा फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, मीन्स ये आएगा ए टू मल्टीप्लाई बी थ्री माइनस बी टू मल्टीप्लाई सी थ्री, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो देखिए इस पे क्या चीज मेरे को कॉमन मिली कि जो अगर हम रो को चेंज कर देते कॉलम में एंड कॉलम को चेंज कर देते रो में, तो आंसर में मेरा कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी ये क्या होगा
सेम होगा। तो ये हमारी क्या हुई, प्रॉपर्टी प्रूव हुई। इसी टाइप में नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कराता हूं। डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी सेकंड नंबर कराई है उस पे एंड इस पे डिफरेंट हल्का सा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? एन इंटरचेंज ऑफ टू रोज एंड टू कॉलम्स इन ए डिटरमाइंस चेंज द साइन ऑफ इट्स वैल्यू। मीन्स ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये सुने कि यदि किसी साइन का कोई रो किन्हीं तो रो एंड किन्हीं तो कॉलमों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उसके बाद जो साइन है डिटरमाइंस है उसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है यानी बदल जाता है, यानी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, कोई हम लेट कर लेते हैं डिटरमाइंट क्या लेट किया, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू एंड सी थ्री, कोई हमने डिटरमाइंट लेट किया हो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ठीक है, इस फॉर्मूले में लेट किया हुआ है। इसको हम जैसे नॉर्मली इसका हम करते थे उसका हम करेंगे रो के रिस्पेक्ट में। क्या रो के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स डिटरमाइंट निकालेंगे। तो क्या होगा, ए वन एंड मैं इसी को डायरेक्ट करता हूँ, ए वन ए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ड्रॉप हुआ तो क्या आया बी वन बी टू मल्टीप्लाई बी थ्री सी थ्री माइनस बी थ्री माइनस मल्टीप्लाई सी टू माइनस लगाया। अब यहाँ पे क्या आएगा बी वन एंड यहाँ पे क्या है बी वन आया, बी वन में क्या हुआ सेकंड रो कॉलम गया एंड फर्स्ट रो गई तो क्या आया ए टू मल्टीप्लाई सी थ्री माइनस ए थ्री मल्टीप्लाई सी टू, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये सी वन है सी वन लेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस सी वन एंड यहाँ पे क्या जाएगा मेरा सी वन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो यानी ए टू मल्टीप्लाई बी थ्री ए टू मल्टीप्लाई बी थ्री माइनस ए टू मल्टीप्लाई बी थ्री माइनस ए थ्री माइनस मल्टीप्लाई ए टू, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, सी वन ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसा कंडीशन बोल रही है यानी प्रॉपर्टीज बोल रही है कि किन्हीं दो रो एंड कॉलम्स को आपस में चेंज कर दिया, मतलब ये कि या तो रो को चेंज करो या तो कॉलम को, तो मैं क्या करता हूँ कॉलम को चेंज करता हूँ यानी फर्स्ट रो को थर्ड रो से चेंज करता हूँ, तो यानी क्या होगी फर्स्ट रो चेंज इंटू आर थ्री, यानी इसको हम आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री ए टू बी टू सी टू एंड ए वन बी वन सी वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे मैंने भी सॉल्व किया था किसके रिस्पेक्ट में, आर वन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा ए थ्री एंड ब्रैकेट में क्या आएगा बी टू मल्टीप्लाई सी वन माइनस बी वन मल्टीप्लाई सी टू एंड यहाँ लगाया माइनस, यहाँ पे क्या हुआ बी थ्री, यहाँ लगाया बी थ्री, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ यानी ए टू मल्टीप्लाई क्या हुआ सी वन माइनस ए वन मल्टीप्लाई सी टू प्लस इसी तरह इस पर क्या होगा ए सी थ्री, तो सी थ्री में क्या होगा इसमें आपस में चेंज होंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा ए टू एंड बी वन माइनस ए वन बी टू। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ना ए थ्री आ रहा है मेरा एंड यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा ए वन आ रहा है, तो ए थ्री वाला जो एलिमेंट होगा उसमें ये क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आएगा वो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको ऐसे निकालेंगे, इसको जब आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम इसको साइन को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा मेरा साइन माइनस का आएगा। तो मैं डायरेक्टली ये बता देता हूँ कि अगर मेरा इसमें चेंज वाला जो होगा वो क्या होगा माइनस का होगा ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री,
इज इक्वल टू माइनस का होगा ए थ्री बी थ्री सी थ्री ए टू बी टू सी टू ए वन ए टू सॉरी बी वन एंड बी सी वन। इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी हमारा कोई एलिमेंट्स गिवन आउट है उसमें हमारा जो एलिमेंट्स होंगे डिटरमिनेंट गिवन आउट है उस पर एलिमेंट्स जो होंगे अगर उनमें हम क्या करते हैं किसी रो को चेंज कर देते हैं किसी कॉलम से कॉलम को चेंज कर देते हैं रो से, मतलब हमने इसके पहले वाले में बताया था एंड इस पर हमने जो बताया वो बताया कि आपस में अगर चेंज कर देते हैं रो को चेंज कर देते हैं एंड किन्हीं दो कॉलमों को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को क्लियर कराता हूँ। ये कि किन्हीं दो किन्हीं किसी एक डिटरमिनेंट्स के उनमें हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं सेम कर देते हैं, यानी दो रो के एलिमेंट्स हम सेम कर दें या कॉलम कॉलम के एलिमेंट्स सेम कर दें तो मेरे क्या होगा जी उसकी वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट्स की जीरो होगी। कैसे, ये हमने लिखा हुआ है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर द आइडेंटिटल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज जीरो। मींस ये होगा, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लें कि सर समान होता है, आइडेंटिटल मींस होता है सर समान, यानी हम कोई डिटरमिनेंट्स को लेट करते हैं उसको हम समझाते हैं। जैसे हमने कोई डिटरमिनेंट्स लेट किया हुआ है ए वन बी वन ए वन बी वन एंड सी वन। ठीक है, हमने क्या लेट किया हुआ ए वन बी वन सी वन एंड इसी तरह यहाँ पे लेट कर लेते ए टू बी टू एंड सी टू एंड यहाँ पे लेट कर लेते ए टू बी टू एंड सी टू, यानी जो हमारी रो सेकेंड एंड रो थर्ड है उसके जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है इक्वल है। तो इस टाइप से में क्या होता है कि इसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। अगर हम हमारे क्या कहते हैं कॉलम में भी ऐसे ही कोई एलिमेंट्स बनता है एलिमेंट्स आते हैं तो भी क्या होगा वैल्यू का जीरो होगा। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको प्रूफ करता हूं। अगर हम रो से करें यानी ए वन ए वन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका बी टू मल्टीप्लाई सी टू माइनस बी टू सी टू, इसी तरह यहां पे क्या हुआ बी वन क्योंकि रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप होगा यानी क्या आएगा ए टू मल्टीप्लाई सी टू एंड माइनस ए टू मल्टीप्लाई सी टू। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे लेते हैं सी वन प्लस का है सी वन तो यहां पे क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप होगा यानी आएगा क्या ए टू बी टू माइनस ए टू बी टू। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब ये तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारे ब्रैकेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपस में जीरो हो रहे हैं, यानी ए वन का मल्टीप्लाई अगर जीरो पे होगा तो क्या आएगा जीरो आएगा, बी वन का मल्टीप्लाई जीरो पे होगा जीरो आएगा एंड सी वन का मल्टीप्लाई जीरो पे होगा जीरो आएगा। तो ये आंसर मेरा क्या आया जीरो आया। ये क्या हुआ हमारा हेंस प्रूफ हुआ, यानी हमारे किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स सेम होंगे दो कॉलम्स के एंड दो के एलिमेंट सेम होंगे तो क्या उसके वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। इस टाइप की प्रॉपर्टियों का हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके एंड इसके क्वेश्चंस जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इसी टाइप से मैं अगली प्रॉपर्टी को क्लियर कराता हूँ। उसका जो मल्टीप्लाई अगर हम किसी कॉन्स्टेंट नंबर का किसी में डिटरमिनेंट लेट करता हूँ उस पर हम क्या करते हैं किसी रो या कॉलम्स पे के का मल्टीप्लाई करके उस सेकेंड रो एंड कॉलम किसी दूसरे से कॉलम या रो पे ऐड करें तो उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसका हिंदी मीन्स है। ठीक है, तो इसको हम आप प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो अगर हमने कोई डिटरमिनेंट लेट किया हुआ है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू
बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस पे, किसी सेकंड पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं के पे, एंड क्या करते हैं उसको प्लस करेंगे किस पे, सी वन पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं कि हम सी वन पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किस पे, सी टू पे मल्टीप्लाई करेंगे के का, एंड प्लस करेंगे किस पे, सी वन पे। ये चीज कंडीशन किस पे करेंगे, सी वन पे करेंगे। तो करते हैं, तो यहाँ मेरा क्या बना, ए वन, ए टू, ए थ्री लिख दिया, प्लस किया के बी वन, के बी टू, के बी थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू एंड सी थ्री। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, अब यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कैसे करेंगे, मैं यहां पे करता हूं, यानी ए वन, ए टू, ए थ्री एंड बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू एंड सी थ्री, प्लस इसी तरह यहां पे क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा मेरा बी वन, बी टू, बी थ्री, बी वन, बी टू एंड बी थ्री, सी वन, सी टू एंड सी थ्री। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे जो हमने अभी लास्ट में थ्योरम कराई हुई थी, प्रॉपर्टीज कराई हुई थी कि किसी भी रो या कॉलम सेम होंगे तो क्या होंगे, एलिमेंट सेम होंगे तो क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वन, ए टू, बी, ए थ्री एंड बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, प्लस के का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो के का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री। इतनी चीज के लिए ये क्या हो गया मेरा, हेंस प्रूव हुआ। तो ये आज की जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज कराए आपको क्लियर हो गए होंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज की बहुत होती हैं। ठीक है, तो जो मेरी जो क्लास टेंथ बेस है, ट्वेल्थ का उस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में करने लायक प्रॉपर्टीज हैं, मैं उनको क्लियर करा दी हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी तो मैं आगे की प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा, अगर क्वेश्चन में कोई आती है तो हम उसको उसी जगह क्लियर कर देंगे। बट जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी आज की वो हमने क्लियर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको मेरी आल क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके समय पे। एंड मेरी रेगुलर क्लास होती है, क्लास टेंथ की, ट्वेल्थ की होती है अल्टरनेट एंड इलेवेंथ की होती है अल्टरनेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसी के आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो पर आगे के क्वेश्चन को कराऊंगा क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।